आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9th, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े, साइन, कॉस, टेन, ये सब पढ़े। अब हम इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इनके साथ इन्हें यूज़ करके हम किस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले पढ़ेंगे लाइन ऑफ साइट। एक वर्ड होता है लाइन ऑफ साइट। व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, देन द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर्स आइज टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये, और यहाँ एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आई है ये। जब ये ऑब्जर्वर की आई इस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करती है तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट होती है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जर्वर सीज एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड हो और ऑब्जर्वर डाउन में हो, तो जब हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजेंटल लाइन, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन होती है, यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ ऑब्जर्वर है, तो लाइन ऑफ साइट आपकी हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। फिर आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब आपका ऑब्जर्वर अपवर्ड ऊपर होता है और ऑब्जेक्ट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहाँ लिखा हुआ है आपका व्हेन एन ऑब्जर्वर सीज एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो जो आपका लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में एंगल बनेगा, हॉरिजेंटल लाइन हमेशा ऑब्जर्वर की आई से हॉरिजेंटली ड्रॉ की जाती है, वो आपका हॉरिजेंटल बेस या हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है। ये आपकी लाइन ऑफ साइट है आई से ऑब्जेक्ट को देखने की, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं दो चीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं आगे। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है आपका, उससे 15 मीटर दूर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका पॉइंट से ऊपर तक बनेगा ये 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो हमें सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, फिर उस फिगर को हमें एक्सप्लेन करना होता है कि क्या चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है ए बी रिप्रेजेंट द टावर, ये ए बी आपका टावर रिप्रेजेंट कर रहा है। सी बी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर, एंगल ए सी बी इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमने वो भी मैंशन करना होता है, टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर। हमें पता है, हमने पीछे रिलेशंस पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, पी बी पी एच एच बी। हमें इन तीनों रिलेशंस में से एक रिलेशन उठाना है जिसके अंदर ये दो साइड्स इन्वॉल्व हो जाएं। ये पी है आपका, एक सेकंड, तो देखो परपेंडिकुलर और बेस ये आपके टेन के रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम टेन का रिलेशन उठाया हमने और हमने लिखा टेन 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। हमें ए बी की लेंथ नहीं पता, बी सी की पता, हमने यहाँ डाल दी और टेन 60 की वैल्यू हमें फ्रॉम टेबल हमें याद की थी, तो अंडर रूट 3 होती है। यहाँ ए बी की वैल्यू आ गई 15√3। हम इसको मेंशन करेंगे प्रॉपर वे में लास्ट में, क्योंकि हमें डिस्टेंस के साथ हमेशा यूनिट लिखनी होती है। द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर, ये आप इसकी हाइट है। सेम आपका एक और एग्जांपल है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखिए, एक आपकी ये बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक आपकी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इस पर दो एंगल्स बन रहे हैं डिप्रेशन एंगल्स, एक ये और एक ये, ठीक है। इस तरीके से आपका फिगर ड्रॉ हो जाएगा। अब हमने ये लाइन क्यों ड्रॉ की, ये लाइन हमने इसलिए ड्रॉ की क्योंकि पूरे हमें इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट नहीं पता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री, ये 30 है, ये आपका 60 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है।
फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम. हमें ये और ये फाइंड करना है, ये 8 मीटर है. जब ये 8 मीटर है तो हम इसको एक लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पोर्शन आपका 8 मीटर आ जाएगा. तो हम पूरा कैलकुलेट करने के लिए पहले दो ट्राइंगल्स बन गए यहाँ पे. एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूँ. एक ट्राइंगल आपका ये ड्रॉ हो गया, एक ट्राइंगल आपका ये ड्रॉ हो गया. तो इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से हम इसको पूरी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये 8 मीटर है तो आपकी ये भी 8 मीटर हो जाएगी. फिर हमें सिर्फ इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, अब हम आगे देखते हैं. देखो यहाँ पे हमने PC आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, AB रिप्रेजेंट द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, PC और AC फाइंड आउट करना है हमें. ओके, अब हमें फाइंड करनी है PC और AC. हमने यहाँ मेंशन कर दिया हाइट ऑफ PC एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इक्वल्स इट इज AC. अब यहाँ देखो जो PQ है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल बेस रिप्रेजेंट कर रहा है. एंगल Q, यहाँ एक सेकेंड, ये एंगल, एंगल QPB एंड एंगल QPA, ये आपके दो एंगल्स हैं. QPA आपका 45 डिग्री है, ठीक है, और QPB आपका 30 डिग्री है. आपको पता है यहाँ जब ये PQ AC के पैरेलल है तो यहाँ ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो QPA एंगल आपका PAC के इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल. सिमिलरली QPB आपका PBD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे रीजंस भी लिखे हुए हैं और बताया गया ये कौन से एंगल्स हैं. अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे. देखो इन ट्रायंगल PBD, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ऊपर जो पहले बन रहा है, ठीक है. यहाँ हमें 10-30 लगाएंगे क्योंकि देखो QPB और PBD, ये एंगल आपका 30 डिग्री बना. 30 डिग्री के साथ 10 के साथ क्या इन्वॉल्व होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ PD अपॉन BD इन्वॉल्व कर दिया हमने. मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ ताकि आपको फिगर भी दिखे. ये देखो PD अपॉन BD कर दिया हमने. हमें BD की डिस्टेंस नहीं पता है, PD की भी नहीं पता है, बस हमें 10-30 की वैल्यू पता है. हमने उसकी हेल्प से इसको मेंशन किया और BD की डिस्टेंस PD की टर्म्स में निकाल ली. BD इज इक्वल्स टू PD अंडर रूट 3. सेम केस हमारा होगा नेक्स्ट ट्रायंगल के साथ, ट्रायंगल PAC के साथ. 10-45 की वैल्यू होती है 1, तो PC और AC आपके इक्वल आ जाएंगे. ओके, अब हमें पता है हम PC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. PC इज इक्वल्स टू PD प्लस DC. PD प्लस DC हो जाएगा और हमें पता है DC AB के इक्वल है, जो कि 8 मीटर है. ओके, अब हमें पता है PC इक्वल्स टू PD प्लस DC, हमने पीछे पढ़ा था. तो देखो PD प्लस DC इक्वल्स टू AC भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने पीछे जो ट्रायंगल PAC में प्रूफ किया है वो हमने प्रूफ किया है AC इक्वल्स टू PC. तो यहाँ हम PC की जगह AC भी लिख सकते हैं. ओके, AC इक्वल्स टू BD, हमें पता है AC और BD पैरेलल हैं. ये AC है आपकी, ये BD है. फिगर में आप जब देखोगे ये AC है, ये BD है. तो हम AC की जगह BD भी मेंशन कर सकते हैं. तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी PD प्लस DC इज इक्वल्स टू BD, ठीक है. ये इज इक्वल्स टू BD. अब यहाँ हमारे पास DC की वैल्यू है, BD की वैल्यू है. तो हमने DC की जगह 8 लिख दिया, BD की जगह PD अंडर रूट 3. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से पीछे मेंशन है, आप देख सकते हैं. यहाँ हमने PD को एक साइड किया, PD कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बच जाएगा. ये 8 यहाँ अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 आ गया PD की वैल्यू. इसको रेशनलाइज कर देंगे आपके पास मिलेगा PD इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3 प्लस 1. ओके, अब PC हमें निकालना था तो PC के लिए PD प्लस DC करना पड़ेगा. DC आपकी 8 है तो यहाँ देखो PC इज इक्वल्स टू PD प्लस 8. ये आप करोगे, यहाँ सारा
क्लियर है कि ये कैसे सॉल्व हुआ, तो आपका 4√3+3 मीटर आ जाएगा। अब पीसी आपका एसी के इक्वल था और एसी आपकी डिस्टेंस थी बिटवीन टू बिल्डिंग्स, तो दोनों सेम आ जाएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.1। इसके सभी क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो, बट मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा देती हूँ। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, से सम डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है, तो ये आपकी 1.5 हो गई, 30 मीटर आपकी ये हो गई बिल्डिंग। फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 degrees। कैसे? द एंगल ऑफ एलिवेशन पहले ये ड्रॉ करना पड़ेगा, 30 डिग्री है, देन 30 to 60 degrees एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, सम पॉइंट पे यहाँ पहुँच गया वो, यहाँ से वो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ से आएगा, क्योंकि इतनी तो उसकी हाइट है, आइस तो उसकी यहाँ पर है 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब सेम हमें फिगर को अच्छे से ड्रॉ करना होगा, उसके बारे में लिखना होगा, तो हमने लिख दिया इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉय, बॉय की इनिशियल पोजीशन एस थी, ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग एंड रीच एट पॉइंट टी। तो जब उसकी इनिशियल पोजीशन एस थी तो एंगल 30 डिग्री था, जब फाइनल पोजीशन टी थी तब 60 डिग्री था। हमने लिखा है पी क्यू रिप्रेजेंट द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड ए एस एंड बी टी रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ बॉय। एंगल पी ए आर एंड एंगल पी बी आर रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हमें फाइंड करना है एस टी, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें। ओके, नेक्स्ट आपका आता है हियर, देखो पी आर, हमें पी आर इन्वॉल्व करना है पूरे ट्राइंगल के लिए, हमें सिर्फ पी आर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम ट्राइंगल जाएंगे तो पी आर चाहिए हमें, हमें पी आर मैंशन करने के लिए हमें पी क्यू में से आर क्यू माइनस करना पड़ेगा। हमें पता है पी क्यू 30 मीटर है, आर क्यू 1.5 मीटर है, एस ए एस इक्वल्स टू आर क्यू, हमने लिख दिया 28.5 मीटर आ जाएगा। ये हमने फ्रैक्शन टर्म में 57/2 मीटर आ गया। अब हम गए एंड ट्रायंगल पी ए आर, पहले ट्रायंगल पी ए आर में गए जहाँ 10-30 इन्वॉल्व कर रहे हैं हम, पी आर अपॉन ए आर, ये सॉरी पी आर अपॉन ए आर को इन्वॉल्व कर रहे हैं हम, तो हमें 10-30 की वैल्यू 1/√3 पता है, पी आर हमारी 57/2 आ गई है, तो हम ए आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए आर आपकी आ जाएगी 57√3/2, आपका ए आर आ गया 57√3/2 मीटर। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है, नेक्स्ट एंगल 60 डिग्री को इन्वॉल्व करेंगे हम, देखो इन ट्राइंगल पी आर भी हमने 60 डिग्री इन्वॉल्व किया, पी आर अपॉन बी आर, पी आर की वैल्यू हमारे पास है, बी आर की वैल्यू नहीं है, तो हम बी आर की वैल्यू निकालेंगे, ये आपकी आ जाएगी 19√3/2। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो एस टी करना है, एस टी आपका ए बी के इक्वल है और ए बी आपका ए आर माइनस बी आर करने पे निकलेगा। ए आर हमने पीछे कैलकुलेट किया इक्वेशन 1 में, जब हमने ट्रायंगल पी ए आर इन्वॉल्व किया था, बी आर हमने तब कैलकुलेट किया जब हमने ट्रायंगल पी आर बी इन्वॉल्व किया था, तो हमने लिख दिया फ्रॉम 1 and 2 ए बी इक्वल्स टू 57√3/2 - 19√3/2, ये आ जाएगा आपका 38√3/2, यू विल गेट 19√3 मीटर। सो ही वॉक 19√3 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, अब आप 9.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस नहीं होंगे हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके,